अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारी अम्मा बनाने जा रही हैं साबूदाना केसरी। ये जो साबूदाना केसरी है, ये साबूदाने की एक मीठी डिश होती है और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो इस वीडियो के बाद इसे एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो साबूदाना केसरी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हमने 1 टेबलस्पून घी डाला है। अब घी मेल्ट हो जाए अच्छे से, तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। इन ड्राई फ्रूट्स को हमने चॉप कर लिया था और इन ड्राई फ्रूट्स को हम तब तक इसमें फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल भी ऐड करेंगे। और जब ड्राई फ्रूट्स गोल्डन हो जाए तब हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे। इस साबूदाने को हमने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लिया था और इसके बाद हमने इसमें से पानी छान लिया है। जब साबूदाना ट्रांसपेरेंट होने लग जाए तब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने केसर पानी में भिगो के रख दिया था, इसे हम इसमें ऐड करेंगे। केसर ऐड करने से इसमें कलर और खुशबू दोनों बहुत अच्छी आ जाएगी। और फिर हम इस पर ढक्कन लगाएंगे और 2 से 3 मिनट ढक के पका लेंगे। जब ढक्कन हटा देंगे उसके बाद हम इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे। और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये जो शक्कर है ये अच्छे से इसमें पिघल नहीं जाती। अब यहाँ पे हम इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी ऐड करेंगे, इससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। इलायची पाउडर डालने के बाद अब आप इसे 1 से 2 मिनट पका लें, फिर ये सर्व किए जाने के लिए रेडी है। अब आप इसे अपने मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं, ये सबको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो को आप देखने के लिए शुक्रिया।